रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, इट्स योर इंग्लिश पीरियड। रेज योर हैंड्स फॉर दुआ। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 2। आज हम स्टार्टिंग से जो हमने साउंड्स पढ़े थे एयरटेल, सो हमने क्या करना है, यहाँ से रिवीजन करना है आज। बिकॉज एज यू नो, आप लोगों को पता है कि आपका ए साउंड टिल जेड साउंड तक आपका काम फिनिश हो चुका है। सारे साउंड्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और हम अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रेगुलर रिवीजन करना है। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करने से आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे उनकी पिक्चर्स भी और वो साउंड्स भी, और आपने प्रैक्टिस करनी है उसको लिखने की, ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो। फाइन, नाउ कम, लेटर इज ए, साउंड इज ए, एप्पल, आलमंड्स, एरो, एग्स एंड एप्रिकॉट। लेटर इज बी, साउंड इज ब, बनाना, बॉल, बॉय, बैग, बस, बॉक्स। लेटर इज सी, साउंड इज ख, कार, कैंडल, केक, कैट, कैरेट, कंप्यूटर। लेटर इज डी, साउंड इज ड, डक, डॉल, डियर, डॉग, डॉक्टर, डॉल्फिन। Letter is E, sound is eh, elephant, egg, engine, envelope, eye, eagle. Letter is F, sound is f, flag, figs, fire, fan, fox, frog. Letter is G, sound is G, grapes, globe, goose, girl, glass, gate. Letter is H, sound is H, hammer, hat, hen, hockey, house, horse. Fine, पेज नंबर 2 till 10 तक हमने इसकी रीडिंग करनी है, साउंड्स विद वोकैबुलरीज, इसकी पिक्चर्स के साथ इसका लेटर भी पढ़ना है और इसकी साउंड भी पढ़नी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपने इसको ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना है जैसे टीचर आपको बताती हैं। लेटर इज एच, साउंड इज ह, हा हैमर, हा हैट, हा हैन, हा हॉकी, हा हाउस, हा हॉर्स। ठीक है, इसको 2-2 times आपने पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। देन क्लोज योर बुक, टेक्स्ट बुक एंड ओपन वर्क बुक। वर्क बुक ओपन पेज नंबर 30। ठीक है, पेज नंबर 30 पे आज हमने डेट राइट करनी है। सो टुडे इज 25th of January 2021 एंड योर 6th week इज गोइंग ऑन, 6th week डे 1। मार्क द करेक्ट डे, टुडे इज मंडे। मंडे को उर्दू में कहते हैं पीर। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने बिस्मिल्ला पढ़ ली है। लुक इट हेयर, काम करने से पहले, हमें हर काम करने से पहले बिस्मिल्ला पढ़नी चाहिए ताकि हमारे काम में बरकत हो और अच्छा हो हमारा काम। ठीक है, लुक हेयर, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। प्ले ग्रुप, नर्सरी क्लास आप लोगों ने साउंड्स ए टिल ज तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एंड कैपिटल लेटर्स आपको पहले से राइट करना आता है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स टीचर ने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये होते हैं कैपिटल लेटर्स, इसको हम अपर केस भी कहते हैं। ठीक है, और ये होते हैं स्मॉल लेटर्स, छोटू वाले लेटर्स, इनको हम लोअर केस भी कहते हैं। ठीक है, अपर केस, लोअर केस, ठीक है, ये कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये छोटू वाले स्मॉल होते हैं। ठीक है, आपने समझ जाना है छोटू कौन से हैं, स्मॉल है, एंड बिग कैपिटल, कैपिटल बड़े को कहते हैं। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, नीचे राइट करना है ऊपर से देखकर। ठीक है, सो राइट द लेटर ए एंड द साउंड ए,
उसी पैटर्न से जैसे टीचर ने आपको बताया है. कैपिटल ए ऊपर की 3 लाइन्स में मेक होगा और स्मॉल लेटर मिडल 2 लाइन में राइट होगा. फाइन. नाउ मेक अ बी. लेटर इज बी एंड साउंड इज बी का ऊपर की 3 लाइन्स में राइट होगा. ठीक है. एंड साउंड इज ब. ब भी ऊपर की 3 लाइन्स में राइट होगा. लाइन से बिल्कुल टच करके बनाएंगे, बिल्कुल भी आउट नहीं करेंगे. जैसे टीचर लिख रही हैं बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है. नाउ मेक अ ख. ऊपर की 3 लाइन्स में ख राइट होगा. मेक अ सी. लेटर सी है एंड साउंड ख. मिडिल 2 लाइन में हमने ख को राइट करना है, छोटू को. फाइन. स्मॉल लेटर. नाउ कम टू डी. लेटर इज डी. ऊपर की 3 लाइन्स में फर्स्ट 3 लाइन में हमने डी को राइट करना है एंड ऊपर की 3 लाइन्स में ही हमने साउंड ड राइट करना है. लेटर इज डी. साउंड इज ड. फाइन क्लास. अब आपने इसको कंप्लीट करना है. 3 लाइन्स और हैं इसकी, वो भी करनी है. नाउ लुक एट हियर. अब हम यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है. हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट. लेट्स हेल्प अहमद इन लिफ्टिंग द बॉक्स. ट्रेस द बॉक्स एंड कलर इट. आपको तो टीचर ने पहले से बताया और आपको तो आप इतने अच्छे बच्चे हैं ना, आप लोगों को पता है कि दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात होती है या गंदी. दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है. हमें सब की हेल्प करनी चाहिए जिसको भी हमारी ज़रूरत हो. ठीक है. ये एक बहुत अच्छी आदत होती है. सो अब क्या करना है, अहमद की हेल्प करनी है. अहमद क्या कर रहा है, बॉक्स को लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, लेकिन बॉक्स इतना भारी है कि उससे उठ ही नहीं रहे है ना. सो हमें क्या करना चाहिए, फिर उसकी मदद करनी चाहिए. ठीक है. अगर कोई वज़न उठा रहा है और उससे नहीं उठ रहा तो हमें जल्दी से भाग के जाना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए. ठीक है. फिर क्या होता है उससे, उससे अल्लाह ताला हमसे हैप्पी होते हैं और सब हमें अच्छा भी कहते हैं. हमें अच्छा लगता है ना जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो. यस. सो हमने क्या करना है, इस बॉक्स को ट्रेस करना है फर्स्ट. देन आफ्टर द ट्रेसिंग हमने इसमें क्या करना है, कलरफुल करना है. कोई सा भी आप इसमें योर फेवरेट कलर आप अपना फिल करेंगे इसमें. ठीक है. बॉक्स में. फाइन. येलो, ब्लू, पिंक, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको फिल करना है. देन कैन यू सी द साउंड ऑफ ब. क्या आप ब साउंड बोल सकते हैं. यस. हम तो बिग बन गए हैं अब तो, हम सारे साउंड बोल सकते हैं है ना. ब ब बॉक्स. टीचर के साथ बोलिए, ब ब बॉक्स, ब ब बॉक्स. नाउ कम टू दिस पेज. सो स्टूडेंट्स ये वाला पेज भी हमने आज ही करना है. राइट द डेट एंड टेक द करेक्ट डे और देन उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर की 3 लाइन में, फर्स्ट 3 लाइन में हमने द लेटर इज ई, ई लेटर राइट करना है एंड मिडिल 2 लाइन में हमने एह राइट करना है. राइट द एह. कम टू द फ एंड साउंड एंड लेटर एफ. मेक अ एफ. 3 लाइंस में ऊपर की हमने एफ को राइट करना है और 3 लाइंस में ही हमने राइट करना है इसका साउंड. फाइन. नाउ कम टू द जी. लेटर इज जी. ऊपर की 3 लाइंस में हमने जी को राइट करना है एंड मिडिल से हमने बीच वाली लाइन से स्टार्ट करना है 1, 2, 3 और नीचे की 3 लाइंस में हमने ग राइट करना है. द लेटर इज जी एंड द साउंड इज ग. कम टू द एच. द लेटर इज एच. ऊपर की 3 लाइंस में हमने एच राइट करना है और ऊपर की 3 लाइंस में ही हमने ह राइट करना है. द लेटर इज एच एंड द साउंड इज ह. वेरी गुड. इसको ऐसे ही नीचे करेंगे काम. देन आमिर एंड हिज ब्रदर आर हेल्पिंग देयर मदर इन क्लीनिंग. आमिर और उसकी मम्मा क्या कर रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं. उनके घर में बहुत सारी चीज़ें गिर गई हैं नीचे तो वो सब उठा के अपनी जगह पे रख रहे हैं. ठीक है. आमिर और उसका भाई अपनी मम्मा की हेल्प कर रहा है जैसे आप लोग करते हैं. हेल्प देम टू पिक द थिंग्स बिगिनिंग विद एह ग एंड ह साउंड्स. राइट द फर्स्ट लेटर्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो. अब आपने क्या करना है, जो इनकी चीज़ें नीचे गिरी हुई हैं ठीक है, उनका साउंड्स क्या आ रहा है, एह ग ह.
सो हमने उसकी बिगनिंग साउंड देखकर उनको राइट करना है. नाउ लुक एट हेयर, फर्स्ट पे क्या है? फ्लावर्स. फ्लावर्स, व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ फ्लावर्स? यस, सो राइट द साउंड और ऊपर की थ्री लाइन में हमने राइट करना है फ्लावर्स. नाउ कम टू दिस पार्ट, एग्स. एग, एग, व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड? एह, एग. मिडिल टू लाइन्स में हमने एह राइट करना है, ठीक है? फाइन. नाउ हैमर. हैमर, व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड? हैमर. यस, राइट द ह साउंड. फर्स्ट थ्री लाइन में हमने ह राइट करना है. कम टू द ग्लास, ग ग ग्लास, ग ग ग्लास. नीचे की थ्री लाइंस में हमने ग राइट किया. फाइन, अल्लाह हाफिज़.